हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक फोटो फ्रेम, बट वो होगा ज़िगज़ैग, लेकिन एक इंट्रो के बाद। इस तरह का ज़िगज़ैग फोटो फ्रेम बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक सी चीजें चाहिए, सिजर्स, एक डिटेलिंग नाइफ, ग्लू, डबल साइडेड टेप, पेंसिल, स्केल, दो फोटोज और एक MDF का प्लाई जिसपे हम अपना फ्रेम बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक थिक चार्ट पेपर लिया है जो कि 51x19 सेंटीमीटर का है। मैंने 1.5 सेंटीमीटर के गैप में डॉट्स बनाए हैं और वहां पर मैं लाइंस खींचने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 51 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि मेरा फोटो जो है वो 25.5x19 सेंटीमीटर का है। तो जो भी आपका फोटो है उसके लेंथ के डबल साइज का आपको पेपर लेना है। इन लाइंस के हेल्प से हम अपना ज़िगज़ैग पैटर्न बनाने वाले हैं, और क्योंकि हमने इसको पहले से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया था तो ज़िगज़ैग बनाना आसान हो गया। मैं अपने फोटोज के ऊपर भी 1.5 सेंटीमीटर के गैप में लाइंस बनाने वाली हूँ। इसमें यूज किए गए सारे आइटम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है, आप वहां से देख सकते हैं। इसको ना याद से नंबरिंग कर लीजिएगा वरना कंफ्यूजन होगा। अब मैं उन फोटोज को डिटेलिंग नाइफ से कट कर दूंगी। यहाँ पर मैंने अपने दोनों फोटोज को एक के बाद एक रख के सेट करके रख दिया है ताकि मुझे वहां से स्टिक करने में आसानी हो। ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो ज़िगज़ैग है उसके फर्स्ट जो फ्लैप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। आप यहाँ पर ग्लू या फिर डबल साइडेड टेप, जो आपको कंफर्टेबल है वो यूज कीजिएगा। मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप लिया है। एक एक करके मैं उसके ऊपर के स्टिकर्स को निकाल दूंगी और अपने फोटोज को स्टिक कर लूंगी। मैंने फोटोज पे और भी बहुत सारे क्राफ्ट आइटम बनाए हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद उसको भी देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पे है। आप ये देख सकते हैं मेरा पहला फोटो स्टिक हो गया है। सिमिलरली मैं अपना दूसरा फोटो भी स्टिक कर लूंगी। ये देखिए कितना सिंपल है। अब ना हम उसको सेट करने वाले हैं अपने MDF बोर्ड के ऊपर, तो उसको भी थोड़ा देख लें। हम अपनी MDF बोर्ड को भी 1.5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर लेंगे और उसका फर्स्ट हाउस और लास्ट हाउस को हम छोड़ देंगे और बीच में अपने ज़िगज़ैग फोटो को स्टिक करेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो ग्लू यूज कर सकते हैं या फिर ग्लू गन यूज कर सकते हैं। अगर आप फेविकॉल ग्लू यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा सूखने के लिए, और जब तक वो सूखेगा नहीं ना तब तक आप दूसरा लेयर नहीं लगा सकते। बट ग्लू गन बहुत जल्दी सूखता है तो वो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ पर मैंने अपने ज़िगज़ैग फोटो को बहुत अच्छे से स्टिक कर लिया है अपने MDF बोर्ड पे, बट वो थोड़ा सा खाली खाली लगता है तो उसके बॉर्डर्स को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं।
इसके लिए मैंने लिया है ब्लैक अक्रेलिक कलर, जिससे मैं अपने बॉर्डर को पूरा पेंट कर देने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने 3D आउटलाइनर लिया है गोल्डन कलर का और ग्रीन कलर का, जिससे मैं कुछ पैटर्न्स बनाने वाली हूँ बॉर्डर पे। आप चाहे तो इसमें कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा ज़िगज़ैग फोटो फ्रेम पूरा बनके तैयार है। इस तरह का मजेदार क्राफ्ट बनाने के लिए आपको 3 चीज करना पड़ेगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.